नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया एक बार फिर अपने लुक्स की वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसकी वजह से एक बार फिर क्यास लगाने लगे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दरअसल आयशा ने 19 अगस्त को ब्लू और गोल्डन साड़ी में एक फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो को देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किए कि आयशा का चेहरा इतना बदल गया है कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। कई यूजर्स ने कयास लगाया कि आयशा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। आयशा ने स्टोरिंग पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम ही छोड़ दिया। इससे पहले आयशा मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई थी, तब भी उनके लुक्स के चलते ट्रोल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद आयशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था, मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया और मैंने कुछ सेकंड के लिए पोस्ट भी दिया, फिर पता चला कि मेरी शक्ल सूरत पर सवाल उठाए जाने लगे, जैसे कि देश में से जरूरी और कोई मुद्दा नहीं बचा। लोग अपने वाहियात विचार मुझ पर थोप रहे हैं कि मुझे कैसा दिखना चाहिए था और कैसा नहीं। प्लीज़ मुझसे उबर जाओ यार, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे फिल्मों में जीरो इंटरेस्ट है, न तो मुझे फिल्मों में वापस आना है और ना ही मुझे इनमें दिलचस्पी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ। मैं अब कभी लाइमलाइट में नहीं रहना चाहती, न ही शोहरत में दिलचस्पी है, इसलिए चिल, मेरी चिंता करना छोड़ दो। आयशा ने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि जैसी वो 15 साल पहले दिखती थी, लोग उम्मीद करते हैं कि अब भी वैसी ही दिखें। ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। आयशा ने एक मॉडल के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चूनर उड़ जाए से नेशनल क्रश बनी। इसके बाद उन्होंने टारज़न द वंडर का से बॉलीवुड डेब्यू किया और 2004 में बेस्ट डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।